नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे लेथ मशीन के इम्पोर्टेंट पार्ट कैरीज़ के बारे में कि कैरीज़ की कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है इसमें वर्किंग किस प्रकार से होती है और इसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है ये आपको डायग्राम में लेथ मशीन नज़र आ रही है इसमें जो येल्लो सर्कल के बीच का जो पार्ट है इसे हम कैरीज कहते हैं और कैरीज का प्रयोग हम करते हैं टूल को स्पोर्ट करने के लिए टूल को गाइड करने के लिए और टूल को प्रॉपर फीडिंग देने के लिए जब उसे हम वर्क पीस के अगेंस्ट यूज़ करते हैं लेथ मशीन पर ऑपरेशन करते समय अब बात करते हैं कैरिज के इम्पोर्टेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं सैडल क्रॉस स्लाइड कंपाउंड रेस्ट टूल पोस्ट और एप्रन अब ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल आपको लाइन डायग्राम है बिल्कुल अगर देखें सभी पार्ट आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं यहाँ ये जो पार्ट है जो बेड होता है लेथ मशीन का इसके ऊपर ये जो सैडल लगा होता है सैडल की अगर हम बात करें कैरीज़ का यह है, वह पार्ट है जो लेथ मशीन के बेड पर जो ये गाइडवेज बने होते हैं इसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टली स्लाइड करता है या पैरव देख रहे हैं कि ये इस तरफ भी जा सकता है राइट हैंड साइड और इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी ये स्लाइड कर सकता है हॉरिजॉन्टली स्लाइड करता है बेड के गाइडवेज पर इसके अतिरिक्त जो क्रॉस स्लाइड है कंपाउंड रेस्ट है और जो टूल पोस्ट हैं वो भी अगर हम बात करें उनको सपोर्ट करने का कार्य भी सैडल करता है जो उसके बाद है क्रॉस स्लाइड ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है जो क्रॉस स्लाइड है ये सैडल के ऊपर माउंटेड होता है और यह लेथ मशीन के स्पिंडल के एक्सिस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होता है अगर हम देखें यहाँ पर ये जो चक है और चक से पीछे यहाँ पे जो स्पिंडल है ये स्पिंडल का एक्सिस होता है और क्रॉस स्लाइड का एक्सिस इस तरह से होता है तो उसके बिल्कुल नॉर्मल डायरेक्शन में यह होता है और इसे हम आ, हैंड के द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हैं या फिर जो क्रॉस फीड जो स्क्रू है इसकी मदद से भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है इसके अलावा एपरन मैकेनिज़्म के प्रयोग से क्रॉस स्लाइड को पावर फीड भी दी जा सकती है उसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कंपाउंड रेस्ट कंपाउंड रेस्ट इसे टूल रेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और यह क्रॉस स्लाइड के ऊपर माउंट होता है कंपाउंड रेस्ट का जो ग्रेजुएटेड जो सर्कुलर बेस होता है ये जो आपको नज़र आ रहा है जिसे हम स्टीवल प्लेट कहते हैं इस पर डिग्रीज ग्रेजुएटेड होती हैं जिसके प्रयोग से कंपाउंड रेस्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल पर सेट किया जा सकता है जब हम टेपर टर्निंग ऑपरेशन करते हैं उस दौरान इसका हम यूज़ कर सकते हैं और कंपाउंड रेस्ट के जो अपर पार्ट को जो कंपाउंड रेस्ट का जो अपर पार्ट होता है उसे हम कंपाउंड स्लाइड कहते हैं जिसे कंपाउंड रेस्ट पर बने गाइडवेज़ पर जो कंपाउंड रेस्ट स्क्रू है इसकी मदद से स्लाइड किया जा सकता है ये कंपाउंड रेस्ट के ऊपर गाइडवेज़ बने हैं इसके ऊपर ये जो हमारा कंपाउंड स्लाइड है इस कंपाउंड रेस्ट स्क्रू की मदद से स्लाइड कर सकता है हॉरीजोंटली उसके बाद है टूल पोस्ट यह कैरीज का टॉप मोस्ट पार्ट होता है जिसका प्रयोग टूल या फिर टूल होल्डर को एक पर्टिकुलर पोजीशन पर होल्ड करने के लिए करते हैं उसके बाद है एप्रन एपरन की अगर हम बात करें यह कैरीज का बिल्कुल अगर एक बात करें एक प्रकार से हैंगिंग पार्ट इसे हम कह सकते हैं जो कैरीज़ के बिल्कुल फ्रंट में ये लगा होता है एप्रन के अंदर नंबर ऑफ गियर ट्रेन होती हैं जिनके प्रयोग से कैरिज और क्रॉस स्लाइड को पावर फीड प्रदान की जा सकती है और इसमें क्लच मैकेनिज़्म और एक स्प्लिट हाफ नट भी लगा होता है यहाँ पर अरेंजमेंट अगर आप देखें यहाँ पे क्लच मैकेनिज़्म होता है स्प्लिट हाफ नट भी लगा होता है क्लच मैकेनिज़्म का प्रयोग जो फीड रोड से मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं जबकि थ्रेड कटिंग के दौरान जो लीड स्क्रू है लीड स्क्रू के साथ कैरीज को मूव करने के लिए स्प्लिट हाफ नट का इस्तेमाल किया जाता है दूसरा ये जो आपको एप्रन हैंड व्हील नज़र आ रहा है इसको जब हम हाथ हैंड के द्वारा इसको टर्न करते हैं तो जो कैरीज होता है वो लेथ बेड पर वो हॉरिजॉन्टली स्लाइड कर सकता है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया लेथ मशीन का इम्पोर्टेंट पार्ट जिसे हम कैरीज कहते हैं इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे